हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं सुभाष, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम डिस्कस करने वाला टॉपिक है यूपीएस का बारे में, ठीक है। इसका पहले दो वीडियो दिया हुआ है, उसमें रेक्टिफायर और इन्वर्टर का डिस्कस किया है, मतलब रेक्टिफायर ऑपरेशन इन्वर्टर ऑपरेशन पूरा उसमें डिस्कस कर दिया। अब वो वीडियो देख के आइए, तभी आपको यूपीएस का ऑपरेशन समझ में आएगा। यूपीएस में वो दोनों ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आप वो वीडियो देख के ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अभी यूपीएस में, यूपीएस मतलब क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ये दो टाइप्स होता है, एक ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस। ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ऑनलाइन यूपीएस मतलब हमारी ईबी सप्लाई आएगा, वो यूपीएस का क्रॉस करके यूपीएस जो आउटपुट आता है वो आउटपुट से हम अप्लायंस का जाएगा हमारे, ये ऑनलाइन यूपीएस बोलते हैं। ऑफलाइन यूपीएस मतलब क्या है, ईबी सप्लाई जो आएगा वो अगर ईबी सप्लाई आने तो ईबी सप्लाई सीधे अप्लायंस का जाता है, अगर जब पावर कट होता है ना तब ये यूपीएस का सप्लाई आउटपुट अप्लायंस का जाएगा, ये ऑफलाइन यूपीएस बोलते हैं। दोनों का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, तो यूपीएस मतलब ऑनलाइन यूपीएस का एडवांटेजेस है, जब हम पावर कट होगा इसका मतलब यूपीएस सप्लाई चालू हो जाएगा ना, उस टाइम वो जो चेंजिंग होता है मतलब ईबी सप्लाई और यूपीएस सप्लाई का चेंज होता है ना, उसका जो टाइम लेता है वो बहुत कम सेकंड्स लेता है, मतलब उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा पावर गया करके, इसमें ये एडवांटेज है। बट ऑफलाइन यूपीएस में तो थोड़ा उसका मिली सेकंड्स लेता है, हमको मालूम पड़ता है मतलब पावर जाके आया ऐसा करके, थोड़ा पावर इंटरप्ट होगा, ये ऑफलाइन यूपीएस है, ठीक है। अभी हम नॉर्मल यूपीएस का, इंडस्ट्रियल यूपीएस में कैसे हम उसका काम करते हैं, उसका ऑपरेशन देखते हैं। आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारे यूपीएस का नॉर्मल जनरल सर्किट डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट्स है ना, इनपुट है, रेक्टिफायर है, बैटरी चार्जर है, बैटरी, इन्वर्टर, स्टैटिक बाईपास, मैनुअल मेंटेनेंस बाईपास, आउटपुट, इतना चीज़ें, ठीक है। अभी रेक्टिफायर इनपुट मतलब क्या है, हमारे ईबी इनपुट है, ईबी इनपुट आता है एसी सप्लाई। रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी का डीसी का कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करके बैटरी चार्जर देगा, बैटरी क्या करता है, बैटरी चार्जर से बैटरी का देके पावर स्टोर होता है। उसके बाद अगर पावर बंद हो गया तो इन्वर्टर चालू हो जाता है, इन्वर्टर क्या करता है, तुरंत ये डीसी सप्लाई लेके डीसी से फिर एसी पावर कन्वर्ट करता है, फिर हमको आउटपुट देगा। ये पूरा मतलब इसका ये दोनों का स्विच करना है, मतलब मेन सप्लाई से और इन्वर्टर सप्लाई से स्विच करना है, तो ये स्टैटिक स्विच है ना, ये काम करता है तुरंत दोनों का सेलेक्ट करने का, दोनों क्या कौन सा काम का कौन सा पावर जाना है आउटपुट का, ये स्टैटिक स्विच डिसाइड करके तुरंत तुरंत चेंज कर देता है। यहाँ एक बाईपास सप्लाई है, मतलब बाईपास इनपुट लिखा हुआ ना, ये बाईपास सप्लाई, ये किसके लिए, अभी वो बाईपास सप्लाई क्यों दिया हुआ, मतलब अभी यूपीएस वन है, मतलब इंडस्ट्रियल सप्लाई, इंडस्ट्रियल में दो यूपीएस रहेगा, यूपीएस वन एंड टू रहेगा ना, अगर यूपीएस वन का बैकअप पूरा खत्म हो गया तो यूपीएस वन ट्रिप हो जा रहा है, तो यूपीएस वन से लोड टू का शिफ्ट करना है, उस टाइम उसका एक ट्रिगरिंग चाहिए, मतलब वो स्टैटिक स्विच है, वो स्टैटिक स्विच बोलते हैं, उसका एक सप्लाई चाहिए, वो सप्लाई कहाँ से आएगा, बाईपास इनपुट है ना, वो कहाँ से आता है, यूपीएस टू का जो आउटपुट है वो आउटपुट से बाईपास का इनपुट बनता है, क्योंकि यूपीएस वन का पूरा खत्म हो गया तो भी यूपीएस टू का जो आउटपुट है वो रहेगा ही ना, वो उसका वो आउटपुट से बाईपास का इनपुट दे दिया था, ये ट्रिगर कर देता है, तुरंत यूपीएस वन से लोड यूपीएस टू का चला जाएगा, ये बाईपास का मतलब है, बाईपास सप्लाई इसलिए दिया हुआ, मतलब स्टैंड पे रहने के लिए। और क्या है, मेंटेनेंस बाईपास भी एक ऊपर एक लाइन देखा था ना आपने सर्किट में, मेंटेनेंस बाईपास क्यों, मतलब नीचे जो पूरा वो यूपीएस का यूपीएस वन का पूरा शेडाउन करके, मतलब हम उसमें अंदर कुछ भी फ्यूजेस वगैरह देखना है तो मेंटेनेंस बाईपास में डाल के लोड चलता रहेगा, उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा कुछ भी, मेंटेनेंस बाईपास में डाल के हम अभी उसमें कुछ फ्यूजेस भी चेक करना है, कुछ माइनर मेंटेनेंस करना है तो कर सकते हैं, चालू मतलब यूपीएस का अंदर जो फंक्शन वो पूरा बंद हो जाता है मेंटेनेंस बाईपास में डाल दिया तो, ये यूपीएस में पूरा ऑपरेशंस है, ठीक है। आज आपको यूपीएस के बारे में ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप्स और एप्लीकेशंस भी इस ये वीडियो में आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, तभी आपको मेरा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहले आएगा। वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।